जो इसका पहला भाग है। तो यह है पावर सप्लाई एंड लॉजिक कंट्रोल सेक्शन। तो पावर सप्लाई लॉजिक कंट्रोल सेक्शन कहने का मतलब हमारा एक जो मोबाइल होता है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है विदाउट पावर स्विच प्रेस करने से पहले एंड विदाउट और पावर स्विच प्रेस करने के बाद। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हमारा जो लॉजिक पावर सप्लाई सेक्शन जो है लॉजिक कंट्रोल सेक्शन जो है कैसे वर्क करता है उस टॉपिक पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में देखने के लिए सबसे पहला बात हम लोगों को जानना है ये जो सीपीयू होता है सीपीयू का मेन वर्क क्या होता है। तो जैसे कि सीपीयू जो मोबाइल में हमारे जो मोबाइल में व लैपटॉप व डेस्कटॉप में जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। जो सीपीयू जो यूज किया जाता है तो सीपीयू का मेन वर्क होता है। जैसे हम लोगों का जो शरीर है, शरीर के अंदर जैसे दिमाग काम करता है ना, तो वैसा ही मोबाइल के अंदर भी सीपीयू काम करता है। तो सीपीयू का काम करने का मतलब होता है सीपीयू किसको कंट्रोल करता है, किसको सिग्नल एक्टिव करता है, किसको एक्टिव करने के लिए जो सप्लाई दिया जाता है, तो वो मेन काम होता है सीपीयू का। तो सीपीयू जो सप्लाई पे भी वर्क करता है, और सप्लाई के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे सप्लाई कैसा है। तो एक चीज है सप्लाई के बारे में जानेंगे किसको क्या सप्लाई बाद में मिलता है, ये हम लोग बाद के टॉपिक में देखेंगे सप्लाई क्या है। तो सीपीयू जो होता है जो हमारा बर्डन में जो ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट होता है, तो सीपीयू को भी ऐसे ही एक मोबाइल में जो हर चाहे मोबाइल बोलो चाहे लैपटॉप बोलो, तो मोबाइल में तो मैं फिलहाल मोबाइल के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल में भी एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। अब जो फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई से पहले फ्रीक्वेंसी जो लगती है जो सप्लाई मिलने से पहले उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है सीपीयू एक्टिविटी है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो इस रीजन में देखिए हमारे यहाँ पे जो एक ये हम लोग जो देख रहे हैं क्लॉक ऑसिलेटर कहने का मतलब ये हमारा 26 MHz क्रिस्टल होता है, ठीक है। 26 MHz जो क्रिस्टल होता है ये हमारा जो है ये हमारे मोबाइल में RFIC में 26 मेगाहर्ट्ज के पर सेकंड के हिसाब से यह क्रिस्टल क्लॉक पल्स बस फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट सप्लाई करता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट जो सप्लाई होता है तो वो नॉर्मली RFIC से होकर के गुजरता है। RFIC के अंदर 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या करता है हाफ करके सीपीयू को देता है। तो हाफ करके सीपीयू को देखने का मतलब क्या होता है, वो 13 MHz जो सप्लाई होता है वो हमारे सीपीयू को देता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे जो सबसे पहला बात जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जैसे मैंने बोला, तो ये सीपीयू को भी सबसे काम करने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 13 MHz का फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड जो होता है जो हमारा सीपीयू जो काम करे सिर्फ तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से काम नहीं करता है, इसके लिए OS इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो मोबाइल में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिला करके जो हमारा मोबाइल वर्क करता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो नॉर्मली मैंने जो बोला इसके लिए तो सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर जो सीपीयू वर्क करे तो वो प्रोग्रामिंगबल जो होता है हमारा जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग टू काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिला करके जो हमारा मोबाइल वर्क करता है। तो इसके लिए हमारे एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है जो हमारे ये फ्लैश मेमोरी बा EMMC बा EPROM हम बोलते हैं। तो पहले के मोबाइल में आपको नॉर्मली अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलेंगे फ्लैश मेमोरी, फ्लैश रोम, IS ROM, प्रोग्रामेबल मेमोरी, तो ये अलग अलग पहले को आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेमोरी होता है नॉर्मली ये जो हमारा ये जो मेमोरी यूज किया जाता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर दिया जाता है प्रोग्रामेबल किया जाता है IS ROM, और नॉर्मली 2-3 तरह के मेमोरी यूज आगे के मोबाइल में होते हैं। अभी के मोबाइल में क्या होता है कि अभी के मोबाइल में एक साथ ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो हमारे नॉर्मली क्या है देखिए नॉर्मल जो प्रोग्रामेबल मेमोरी है बा IS ROM है बा अलग अलग जो कैटेगरी में जो आते हैं तो उसको एक्टिव करने के लिए आता है। तो हमारा जो मेमोरी था पहले जैसे नॉर्मली अभी हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारा रैम रोम जो क्या है अभी मोबाइल हम लोग देखना पड़ता है कि हमारा रैम क्या है रोम क्या है, तो उस बेस पे भी हमारा मोबाइल वर्क करता है। अगर हमारा रैम और रोम का हो तो मोबाइल स्लो चलेगा, फास्ट हो तो ज़्यादा एक्टिविटी मिलेगी, ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा और ज़्यादा फास्टर चलेंगे। तो इस कैटेगरी पे ये भी प्रोग्राम पे डिपेंड करता है जो हमारा जो मेमोरी में जो प्रोग्राम किया जाता है पहले के मोबाइल में या अभी के मोबाइल में अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मली अलग अलग मोबाइल के लिए जैसे हमारा विंडोज लैपटॉप में क्या होता था कि चाहे लैपटॉप हो चाहे वो कोई भी प्रोग्राम कर दे विंडोज डाल दे XP डाल दे 7 डाल दे समथिंग 90। तो इस कैटेगरी में भी हम लोग मोबाइल के अकॉर्डिंग टू बनाया गया है, पर हमारा मोबाइल में एक फिक्स होता है जैसे कि नॉर्मली कुछ मोबाइल होते हैं विंडोज पे चलते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं आपका एबी का मोबाइल एंड्रॉइड पे चलते हैं, कुछ कुछ मेमोरी जावा पे चलते थे,
तो ये सब अलग अलग ओएस के प्रोग्रामेबल ओएस रहते थे, तो उस कैटेगरी पे नॉर्मली होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो सीपीयू सीपीयू से अकॉर्डिंग टू नॉर्मली हमारा जो वर्क करता है, तो हमारा जो नॉर्मली जो सीपीयू है तो इससे नॉर्मली हमारा सीपीयू से रिलेटेड वर्क करता है। तो ये हमारा जो मेमोरी जो होते हैं, तो मेमोरी को भी एक्टिव करने के लिए रैम सीपीयू से कनेक्शन कनेक्टिविटी किया जाता है। मान लीजिए कोई भी हमारा, जैसे हमारा शरीर में जो दिमाग होता है, हमारे कोई भी अंग को काम करने के पहले बात हम लोग सब दिमाग को एक्टिव करते हैं। तो इस कैटेगरी में क्या है, अगर हमारा जो भी है मेमोरी को जो फ्लैशिंग करेंगे तो सीपीयू से अकॉर्डिंग टू उसका टाई अप रहता है, डेटा इनपुट इनपुट जो वोल्टेज मेजरमेंट जो टाई अप होते हैं, तो जो नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट क्लॉक पल्स के मेजरमेंट जो टाई अप होते हैं तो वो भी रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे ही मोबाइल को फ्लैशिंग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मैंने पावर स्विच प्रेस किया, तो अब जैसे ही पावर स्विच प्रेस किया क्या हुआ, सीपीयू के पास एक सिग्नल गया, सिग्नल जाते जैसे ही जाता है वो एक सिग्नल क्या है, जैसे मैंने पावर स्विच प्रेस किया सीपीयू के पास सिग्नल आया, वो सीपीयू क्या किया मेमोरी को सिग्नल दिया, मेमोरी से सिग्नल दिया। जैसे हमारा नॉर्मल फर्स्ट मोबाइल जो बूट होता है सिर्फ लोगो आता है, लोगो आने के बाद ही डिस्प्ले आता है, तो वो हमारा नॉर्मल जो प्रोग्रामेबल मेमोरी है उससे डिपेंड किया रहता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा सारा जैसे ही जैसे नॉर्मली जो हमारा फ्लैश ऑन हुआ उस बेसिस के ऊपर नॉर्मली हम लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नॉर्मली मैं बता दूं कि ये जो नॉर्मली है ये रहा फ्लैश आईसी से ऊपर। अब जैसे आते हैं सीपीयू, सीपीयू जो काम करता है वो सारा डेटा, वो जितने भी डेटा से रिलेटेड वर्क करते हैं डेटा लाइन होते हैं वो सारे जो होते हैं लॉजिक आईसी से कंट्रोल करते हैं, बेसी भाग लॉजिक आईसी को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे आते हैं नॉर्मली लॉजिक आईसी कैसे कंट्रोल होता है, जैसे कि नॉर्मली हमारा डेटा लाइन है लॉजिक आईसी से कंट्रोल होता है। जैसे लॉजिक आईसी किसको किसको कंट्रोल करता है, हमारा लॉजिक आईसी सबसे पहला बात रिंगर को, एयर स्पीकर को, वाइब्रेटर को, ठीक है, तो इसको एक्टिव करता है। इसको एक्टिव करने के साथ साथ और कीपैड और टच पैड को भी एक्टिव करता है। इसको एक्टिव करने का नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारा नॉर्मली आगे के सेक्शन में हम लोग देखे आ रहे सिग्नल टीएक्स सिग्नल, ये सिग्नल क्या है, तो हमारा जो रिंगर स्पीकर जो होता है डायरेक्ट हमारा किससे कनेक्टेड रहता है, हमारा आरएफ सिग्नल से कनेक्टेड रहता है, आरएफ आईसी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड रहता है। तो इसके आगे में हम लोगों देख लिया था रिंगर स्पीकर कैसे काम करता है, वो कैसे वर्क करता है, ये हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे नॉर्मली हमारा जो है लॉजिक आईसी कैसे काम करता है, लॉजिक आईसी ये सबको लॉजिक देता है। लॉजिक प्रोवाइड करने का मतलब हमारा कब एक्टिव हो रिंगर, कब एक्टिव हो वाइब्रेटर। जैसे वाइब्रेटर कहने का मतलब जैसे हमारा मैसेज आता है तो वाइब्रेट होता है, फोन बजता है तो वाइब्रेट होता है, अगर कोई भी फ्लैश लाइट से कनेक्टेड कर दे या टच पैड काम करे तो वाइब्रेट होता है। तो वो सारा हमारा जो सीपीयू से कनेक्टिविटी होता है वो सारा हमारा लॉजिक आईसी से ही कंट्रोल होता है। लॉजिक आईसी सबसे पहला बात हमारा सीपीयू को डेटा देता है, डेटा लाइन से कनेक्टेड रहता है, कोई भी सिग्नल देता है तो वो सबसे पहला बात लॉजिक आईसी में जाता है, और लॉजिक आईसी सबको एक एक करके अलग अलग वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद नॉर्मली देखिए, तो उसके बाद नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो सीपीयू जो प्रोग्राम है हमारा जो मोबाइल जो ऑन होता है तो वो जो डेटा जैसे आउटपुट देता है वो हमारा फ्लैश आईसी व रोम आईसी दो डेटा आउटपुट करता है सीपीयू को। जैसे कि नॉर्मली हम लोग को डिस्प्ले में देखने को मिलता है, जैसे हमारा फ्लैश मेमोरी क्या होता है एक्टिव होगा, जैसे हमारा फ्लैश मोबाइल ऑन होगा वो हमारा फ्लैश आईसी क्या होगा सबको प्रोवाइड करेगा डेटा, जैसे नॉर्मली कॉन्टैक्ट मैसेज ये सारे एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगे, सारे एलसीडी में देखने को मिलेंगे। तो एलसीडी जो होता है डायरेक्ट हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है, जिसको एलसीडी एलईडी नॉर्मली हम लोग जिसको बोल सकते हैं। एलसीडी का फुल होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये जो एलईडी डायरेक्ट एलसीडी पर डायरेक्ट जो कनेक्टेड होते हैं वो हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। अब सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं नॉर्मली हमारा मोबाइल ऑन होने के बाद सबसे पहला बात हम लोग सीपीयू में ही देखते हैं, सॉरी एलसीडी में ही देखते हैं। तो जितने सारे डिस्प्ले हम लोग एलसीडी में ही देखने को मिलते हैं जो हमारा वर्किंग है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या टाइप कर रहे नहीं कर रहे। अब जैसे कि नॉर्मली ये आउटपुट डिवाइस है और नॉर्मली उसके बाद हमारा जो कीपैड टचपैड जो अकॉर्डिंग टू रहता है वो हमारा भी सीपीयू से ही कनेक्टिविटी रहता है। अब जैसे मान लीजिए मैं जो भी सीपीयू में एलसीडी में जो भी देखता हूं जैसे मान लीजिए मैंने मैसेज को खोलना है, मैसेज ऐप्स को खोलना है, एप्लीकेशन को खोलना है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट कीपैड टचपैड के थ्रू ही उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमको डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे मेरा ये एक्टिव हो गया। तो जैसे मैं टच करता हूँ हमारा सीपीयू को ही इन्फॉर्मेशन जाता है और सीपीयू क्या करता है हमारा डिस्प्ले को इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस प्रोसेस में नॉर्मली हम लोग देखते हैं ये हमारा जो डेटा लाइन है ऐसे ये सीपीयू नॉर्मली काम कर रहा है। अब जैसे कि आते हैं मान लीजिए हमारा जैसे कि एक चीज नॉर्मली मैंने बताया जो हमारा ये क्लॉक पल्स है, पीपी
PLL जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मली इसको बोलते हैं हम लोग पल्स लॉक लूप, इसका फुल फॉर्म है ये। जैसे ही हम लोग 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल जो हमारा RFIC को दिए, RFIC क्या करता है, वो सिग्नल इसके अंदर एक PLL बोल के IC रहता है, वो क्या करता है हाफ करके हमारे CPU को देता है, वो हाफ रहता है वो 13 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये 13 मेगा फ्रीक्वेंसी हमारे ऑन होने से पहले हमारे CPU को मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नॉर्मली देखिए, अब जैसे ही मैंने CPU को जो बैटरी लगाया, जैसे मैंने मोबाइल में बैटरी लगाया, वो बैटरी क्या किया, हमारा पावर IC को एक्टिव किया। इसको बोलते हैं क्लॉक, कहने का मतलब एक क्लॉक पल्स देता है, एक टाइमिंग देता है। अगर मान लीजिए मेरा एक फोन आया, एक मैसेज आया, या कोई भी डेटा के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से मैं एक कोई भी चीज को सेव करूंगा अकॉर्डिंग टू हमारा, मान लीजिए हमारा आज के डेट में क्या आया, कल के डेट में क्या किया, परसों के डेट में क्या किया, तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार ही हमारे क्लॉक पल्स काम करते हैं। वो क्लॉक पल्स क्या करता है, हमारे सारे डेटा को ठीक ठाक डेट और टाइम के हिसाब से सेव करता है। तो ये जो क्लॉक पल्स होते हैं, ये पावर IC को ही दिया जाता है, पावर IC से रिलेटेड और CPU से रिलेटेड ये कनेक्टिविटी होते हैं, तो इसके अनुसार ही हमारा नॉर्मली जो आउटपुट दिया जाता है। तो ये सारे सेक्शन इस हिसाब से काम करते हैं। तो नॉर्मली ये चीज बता दूं कि जैसे कि नॉर्मली हमारा जो लॉजिक कंट्रोल सेक्शन है, बार लॉजिक कंट्रोल जो IC है, तो इस पे डिमांड पे ये काम करता है। इसी तरह से हमारा पावर सप्लाई और पावर सप्लाई सेक्शन या लॉजिक कंट्रोल सेक्शन इस वर्क के अकॉर्डिंग टू काम करता है। तो नॉर्मली आज के क्लास में हम लोगों ने जाना पावर सप्लाई IC कैसे काम करता है, क्लॉक पल्स कितना किसको कब मिलना चाहिए। तो ये जो नॉर्मली एक चीज मैं बता दूं, अगर मान लीजिए हमारा मोबाइल डेट हो, तो डेट के अनुसार ही हमारा RTC से भी प्रॉब्लम होता है, और हमारा जो ये क्लॉक पल्स 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देख रही है, इसके भी अकॉर्डिंग टू वर्क करता है। मान लीजिए हमारा 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या क्लॉक IC जो काम, ये क्लॉक जो क्रिस्टल है ये वर्क ना करे, इसके अनुसार ही मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ना दे, तो ये CPU को ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी ना मिले, तो इसके अनुसार भी हमारा CPU ऑन नहीं होता है, क्योंकि हमारा ऑन मोबाइल ऑन होने से पहले ये उसको वो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, आउटपुट कर देता है, 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑन एक्टिव कर देता है। इस रीजन में हमारा क्या होता है, सारा डेटा एंड डेटा से रिलेटेड, तो CPU से रिलेटेड जो सारा फ्रीक्वेंसी है वो वर्क करता है। तो इसके इस नॉर्मली क्लास में हम लोगों ने देखा हमारा पावर सप्लाई लॉजिक कंट्रोल सेक्शन कैसे वर्क करता है, किसके अकॉर्डिंग टू वर्क करता है, किसको कब सप्लाई मिलता है, ये सारे हमारे सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो हम सारे देखे, तो एक चीज याद रखिएगा, ये मोबाइल डेट है कि नहीं है, किसको क्या क्या कैप सप्लाई मिल रहा है, तो ये सारे हमारे लॉजिक कंट्रोलर पावर सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। ये सारे सेक्शन के हिसाब से, लाइन के हिसाब से, डेटा लाइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम लोगों ने देखा अच्छे क्लास में पावर सप्लाई सेक्शन लॉजिक कंट्रोल सेक्शन कैसे काम करता है।